हम सभी सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है, वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या, शौर्य क्या है, साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य, शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। 7 दिन बाद। लगता है उस साधु का शराब मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। इस पीड़ा से मुझे मुक्त करो मित्र, मुक्त करो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो मित्र, कुछ नहीं हुआ मुझे, सही हूं मैं। कहा था ना मैं वो साधु एकदम पाखंडी है। तम बड़ी विचित्र घटना घटी है वासुदेव। कुमार साम के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। कुमार अब स्वस्थ हैं बलभद्र। देख लिया, ये उस श्राप का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मदिरापान का फल है। ये श्राप तो केवल एक निमित्ता है तुम्हारे कर्मों के कारण। यदुवंश का नाश जन्म ले चुका है। यदि मदिरा के मद में तुमने एक महात्मा का अपमान ना किया होता तो आज तुम्हारी यह दशा ना होती। अब कुछ नहीं हो सकता था। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, परंतु एक के कर्मों का फल पूरा वंश भुगते, ये नीति नहीं है। यदि अनाज के पौधों के बीज में घुन लग जाए तो वो सारी फसल नष्ट कर देते हैं। दाऊ नहीं कान्हा, मैं सांप की मूर्खता का फल
समस्त द्वारका को नहीं भुगतने दूंगा। आप इस मूसल का क्या करेंगे ताऊ? श्राप था कि मदिरा पान के कारण द्वारका का नाश होगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि समस्त द्वारका में किसी भी प्रकार का मद्य का उत्पादन, सेवन या विक्री वर्जित है। और रही बात इस मूसल की, तो इसका उपाय है मेरे पास। आपके आदेशानुसार मूसल की भस्म बना दी गई है बालभद्र। इसे द्वारका के समुद्र तट पे बहा दो। हमारे कर्म ही हमारी नियति निर्धारित करते हैं। केवल सांप के कर्म ही नहीं, कुछ श्राप हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। और कुछ पाप भी जो द्वारका की नियति बनाएंगे। चक्रवात से घर के धराशायी होने का भय हमेशा रहता है कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने घर की नींव सुदृढ़ ना करे। जब नींव गल जाती है ताऊ, तो भवन का धराशायी हो जाना निश्चित होता है। द्वारका का अंत समीप है। नहीं काना, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। समय किसी की नहीं सुनता और ना ही श्राप आपकी सुनेगा दाऊ। नियति ने जो चुना है हमारे लिए, हमें वो भुगतना ही होगा। हर एक सरकंडे में एक आहुति छिपी है ताऊ। किसी की मृत्यु तो किसी की मुक्ति।
मेरा स्वप्न है कि हस्तिनापुर में एक गुरुकुल हो, जहां पर बालकों की भांति बालिकाएं भी युद्ध शिक्षा में पारंगत हो और अपनी सुरक्षा करना सीखें। अति उत्तम विचार है पुत्री। प्रणिपात, प्रणिपात, प्रणिपात। यदि प्रत्येक स्त्री अपनी सुरक्षा में समर्थ हो जाए तो कोई भी पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। यदि वो अबला से सबला बन जाए तो ना ही कोई चीरहरण होगा और ना ही कोई महाभारत होगी। ज्येष्ठ पिताश्री, आपने स्मरण किया? हां पुत्र, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। गांधारी, जीवन का हर चरण देख लिया पुत्रों, परंतु अब वानप्रस्थ करके संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, ज्येष्ठ जी जी और मुझे विदा लेने की आज्ञा थी। प्रस्थान, किंतु अचानक ऐसे क्या हुआ माता? कोई समस्या हुई है या हमसे कोई भूल हुई है जिसे आपको कष्ट पहुंचा है? नहीं पुत्र, तुमने और द्रौपदी ने अपना कर्तव्य कुशलता से पूर्ण किया है और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। पुत्र कमो, आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पुत्र का धर्म आपको रोक भी नहीं सकता। आप सबके तप संचय को रोकना भी पाप होगा। आदेश दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, व्यवस्था हो जाएगी। मुझे तुम पर गर्व है। परंतु हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप सभी के साथ हमें भी एक उत्सव मनाने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे पुत्रों। तो ठीक है, तो मैं इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ करती हूँ और सभी परिजनों को निमंत्रण भिजवाती हूँ। सर्वप्रथम माधव को। सखी ने निमंत्रण दिया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। Thank you.
माधव, आप सदैव हम सबके साथ हमारे दुख में उपस्थित रहे, परंतु आज सुख के समय पर आपके आगमन ने हम सबके आनंद को दुगना कर दिया। मेरी सखी मुझे निमंत्रण दे और मैं न आऊं? तुम सबका परिश्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रेरणा देने वाला शुभ हो तो परिश्रम का फल भी शुभ ही होता है माधव। आइए माधव, अपना स्थान ग्रहण करें। सांब के साथ जो हुआ, हमें उसका समाचार मिला माधव, हमें उसका खेद है। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। समय का चक्र और नियति को कोई नहीं रोक सकता धर्मराज। परंतु मुझे सदा खेद रहेगा। ये नियति मेरे ही श्राप के कारण आई है वासुदेव। प्रणिपात राजमाता। संतोष मिला कि मेरी भूल के पश्चात भी आपका यहां आगमन हुआ वासुदेव। नहीं राजमाता, मैं आया क्योंकि मेरा यहां उपस्थित होना आवश्यक था। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। बीते समय पर शोक मनाने से कोई लाभ नहीं। आनंदमय तो ये है कि हम सभी आने वाले नए भविष्य का स्वागत करें। कैसा भविष्य माधव? बधाई हो सम्राट, महारानी वृषाली ने पुत्र को जन्म दिया है। आंखों में इसके पिता की भांति तेज। कल्याण हो पुत्र। बुआ श्री, इस बालक का नामकरण कीजिए। नहीं माधव, ये कार्य आपका। कर्ण के एक वीर पुत्र का नाम वृषसेन था और इस वीर बालक का नाम है राधे कर्ण पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु वृषकेतु वृषकेतु।